हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल आशा सक्सेना। आज हम आपको बेबी ब्लंट हेयर कटिंग में रॉड सेटिंग द्वारा इन हेयर को रोल करके बताएंगे कि किस तरह से हमको करना चाहिए। बच्चों को भी बहुत ज़्यादा क्रेज़ रहता है मैरिज पार्टी या बर्थडे पार्टी में जाने के लिए। उनको भी महसूस होता है कि अच्छे से हम हेयर को रोल करके जाएँ, हेयर सेटिंग करके जाएँ। तो यहाँ हम इनके हेयर रॉड सेटिंग द्वारा रोल करेंगे और वो देखिएगा आप किस तरह से करते हैं। हेड वॉश किए हुए हेयर होने चाहिए और ये रॉड सेटिंग हम किसी भी कंपनी की ले सकते हैं, वाइजर की ले सकते हैं, फिलिप्स की ले सकते हैं या और किसी कंपनी की आप ले सकते हैं। हमने यहाँ वाइजर कंपनी की ये रॉड सेटिंग है और 180 डिग्री का टेम्परेचर जो हमने सेट किया हुआ है। और इससे देखिए किस तरह के रोल हमारे सामने आएंगे, हेयर में जो कर्ल आएंगे वो किस तरह से, और विश्वास है आपको भी अच्छा लगेगा। हम पतली पतली पार्टिंग करके इन हेयर को रोल करेंगे। अगर आपके पास जेल है, घर पर आप इन हेयर को रोल कर रहे हैं, जेल है तो आप जेल लगा सकते हैं, या हेयर सेटिंग लोशन है तो हेयर सेटिंग लोशन लगा सकते हैं, और अगर दोनों चीज़ नहीं है तो आप हल्का सा वाटर स्प्रे हेयर में करेंगे और नमी आने के बाद में फिर देखिए थोड़े थोड़े हेयर को लेकर पतली पार्टिंग करके हमने इस तरह से लिया और हेयर को रॉड सेटिंग में फोल्ड करेंगे। ये चॉइस के अनुसार हम करेंगे कि आउटसाइडर हमको हेयर रोल करने हैं या इनसाइडर करने हैं। अगर आउटसाइडर करने हैं तो हम आउटसाइड में फोल्ड करेंगे हेयर को, और इनसाइड करने हैं तो हम इनसाइड अंदर की साइड में हेयर को फोल्ड करेंगे और फिर क्लिप के जरिए जो रॉड सेटिंग में होती है उससे हम लॉक कर देंगे। आपको समझ में आ गया होगा, हमने अच्छे से बताया कि हेड वॉश किए हुए हेयर होने चाहिए अगर हम घर पर हेयर को सेट कर रहे हैं तो, अगर लोशन हमारे पास नहीं है या फिर हेयर सेटिंग जेल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप हल्का सा वाटर स्प्रे करिए और उसको रॉड सेटिंग से आप घर पर आराम से अपने हेयर को रोल कर सकते हैं। यहाँ हमने इनके केवल लोशन लगाया है और लोशन लगाने के बाद में देखिए हम इन हेयर को सेट कर रहे हैं। जितना हमको रोल करना है हेयर को उतनी बार हम फोल्ड करेंगे। यहाँ हमने थोड़ा शॉर्ट किया है क्योंकि इनकी हेयर कटिंग नहीं की हुई है, और रॉड सेटिंग करने से पहले या कोई भी हम हेयर सेटिंग करते हैं तो हेयर ट्रिमिंग बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन इनके हेयर ट्रिम नहीं है और टाइम की शॉर्टेज के कारण हम डायरेक्ट ही कर रहे हैं तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम भी आती है। छोटे बड़े हेयर होते हैं तो फिर उनको फोल्ड करने में दिक्कत आती है, रफ हेयर हैं तो वो भी एक प्रॉब्लम हो जाती है। ये देखिए कि हम इनके ट्रिमिंग नहीं होने के कारण हम थोड़ा ज़्यादा फोल्ड कर रहे हैं, दो बार फोल्ड कर रहे हैं जिससे कि कर्ल के अंदर जो इनके छोटे बड़े हेयर हैं वो दिखाई ना दें, और आप खुद देखेंगे महसूस करेंगे कि सारे हेयर सेट होने के बाद में जो छोटे बड़े हेयर हैं बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे और अच्छे से रोल इनके हेयर होंगे। दोस्तों अगर आप फर्स्ट बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और आइकन बेल के साथ में क्लिक ज़रूर करिएगा, और लाइक एंड शेयर आप जितना करेंगे, हमारी प्रोग्रेस आपके साथ जुड़ी हुई है तो हम उसका वेट करेंगे। अपने चॉइस, अपने सजेशंस बिल्कुल भेजिए, हम आपके सारे सवालों का जवाब भी देने की कोशिश करते हैं।
और विश्वास है आपको हमारे जो कार्यशैली है पसंद आती होगी। और इसी उम्मीद के साथ में हम प्रोग्रेस करना चाहते हैं कि आपकी चॉइस सजेशन हमारे साथ जुड़े रहें। ये देखिए, इसको हमने हेयर को रोल किया और क्लिप खोलने के बाद में, क्लिप के खोलते ही हमको हेयर को स्लिप करके निकालना है, खींच कर नहीं निकालना है। इस बार फिर देखिएगा आप कि हम ये देखिए दो बार हम फोल्ड कर रहे हैं, इतना शॉर्ट हमने हेयर को किया है, जिससे कि जो हेयर है छोटे पड़े वो दिखाई ना दें। टाइमर आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं, हेयर के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा रफ हेयर हैं तब भी हमको टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है, या बहुत सिल्की हैं तब भी बढ़ाना पड़ता है। नॉर्मल हेयर हैं तो हम इतना 180 डिग्री तक कई बार नहीं भी लेते हैं, कम ले सकते हैं, 100 तक ले सकते हैं आप, 120 तक ले सकते हैं, लेकिन यहाँ हमने 180 डिग्री टेम्परेचर रखा है इसका। ये देखिए एकदम हेयर का लुक चेंज होते ही फेस का लुक अपने आप ही चेंज हो जाता है। ये टेम्परेरी हेयर सेटिंग है, परमानेंट नहीं है, और जब तक हम हेड वॉश नहीं करेंगे तब तक ये स्टे रहते हैं, रोल किए हुए हेयर, या फिर मेंटेन करने के ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन पार्टी वगैरह अच्छे से अटेंड हो जाती है और बहुत सुंदर लगते हैं। जेल या हेयर सेटिंग जेल या फिर हेयर सेटिंग लोशन लगाने से या हेयर स्प्रे करने से वो थोड़ा ज़्यादा टाइम तक स्टे रहते हैं, हेयर सेटिंग किए हुए हेयर, तो इसलिए हमको कुछ ना कुछ कर लेना चाहिए। ये देखिए अब खोलने का तरीका, बिल्कुल क्लिप को हमने खोला और हेयर को स्लिप कर दिया, इतना हमने शॉर्ट हेयर को किया है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा जो रोल हेयर हो गए हैं और उनकी लेंथ, और जो नहीं हुए हैं उनकी लेंथ आपको नज़र आ गई होगी। करीब 4 इंच के लगभग के हेयर हैं जिनको हमने फोल्ड किया है, क्योंकि इनकी पहले बॉय कटिंग थी तो जो अंदर से शॉर्ट हेयर निकलते हैं वो प्रॉब्लम करते हैं, और हेयर कटिंग का भी इनके पास टाइम नहीं है, मेरी क्लाइंट के पास, तो इसलिए हमने यही सजेस्ट किया कि हम इस तरह से रॉड सेटिंग कर देते हैं, जिससे रोल भी हो जाएंगे और हेयर का लुक भी अच्छा आ जाएगा। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो फिर जो रॉड में हेयर को फंसाने का काम, आप कॉम से भी हेल्प ले सकते हैं, कॉम के जरिए भी हेयर को फोल्ड कर सकते हैं, जिससे कि हाथ नहीं जले, और प्रैक्टिस है तो फिर आप कर सकते हैं। सारे हेयर रोल होने के बाद में आप देखिएगा कि रॉड सेटिंग से भी कितना हेयर का लुक चेंज होता है, और हेयर का जब लुक चेंज होता है तो फेस का लुक भी अपने आप डिफरेंट लगता है। दोस्तों, हम हर चीज़ को ये चाहते हैं कि हम अच्छे से समझाकर आपके सामने पेश करें, जिससे कि आप पार्लर खोल सकें या घर पर अपना काम अच्छे से कर सकें। तो इसीलिए हम हर पॉइंट को ध्यान में रखते हुए अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, जिससे कि आप सबके समझ में आ जाए। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं हमसे। हमको 26 ईयर इस फील्ड में हो गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, और स्टूडेंट्स हमारे काफ़ी हमसे सीख कर गए हैं, जयपुर के बाहर भी सीख कर गए हैं, और जयपुर में भी काफ़ी लोगों के पार्लर है। जब इतना 26 ईयर में आप खुद समझ सकते हैं कि इतना बहुत ज़्यादा, आज जो क्रेज़ है पार्लर का इतना ज़्यादा नहीं था, अब तो गली गली में आपको पार्लर मिल जाएंगे,
लेकिन यहाँ हमारा 26 ईयर्स से हम काम कर रहे हैं और हमको बहुत इंटरेस्ट है, और सिखाने का विशेष तौर से हमारा कोचिंग का जो रहता है वो हम काफ़ी लोगों को सिखा चुके हैं। रजिस्टर्ड संस्था हमारी है तो इसलिए सर्टिफिकेट की भी कोई दिक्कत नहीं आती है। ये देखिए आप, इस तरह से हम लेंगे पतली पार्टिंग लेंगे, जिससे कि अगर हम ज़्यादा हेयर ले लेते हैं तो फिर वो अच्छे से हो नहीं पाते हैं। टाइम तो लगता है, इनके हैवी हेयर हैं, रफ भी हैं, लेकिन अच्छा काम तभी होता है जब थोड़े थोड़े हेयर को लेकर हम करते हैं। सारे हेयर रोल होने के बाद में आप देखिएगा, काफ़ी अच्छा लुक आना चाहिए, और विश्वास है आपको ज़रूर पसंद आएगा। और आप खुद प्रैक्टिस करिए, करके हमको बिल्कुल बताइएगा कि आपको करने में कैसा लगा और रिजल्ट उसका क्या आया। ये देखिए, विशेष तौर से हमको ये जो लश वाले हेयर होते हैं इनको फोल्ड करने में दिक्कत आती है, और ये सब प्रैक्टिस के साथ में बहुत इजी वे में आप कर सकते हैं, हो जाते हैं। बस खोलने का तरीका ये, हमको खींच कर नहीं करना चाहिए, क्लिप को खोलते हुए और हेयर जो रोल किए हुए हैं उनको स्लिप करके ही रॉड सेटिंग से बाहर निकालना चाहिए। इस तरह से देखिए, टेम्परेचर हाई रखने से काम जल्दी हो जाता है और अच्छा भी होता है, लेकिन हेयर के हमने बताया नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, जिस तरह की हेयर की नेचर है उसी तरह का हमको टेम्परेचर रख लेना चाहिए। ये देखिए, सारे रोल होने के बाद में हम बाद में हेयर सेटिंग स्प्रे करेंगे, जिससे कि ये रोल काफ़ी लॉन्ग टाइम तक स्टे रहें। और आप देखिएगा, विश्वास है आपको ज़रूर पसंद आएगा हमारा ये रॉड सेटिंग। ये देखिए, फ्रंट पोर्शन के हेयर हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे, अच्छे से रोल हुए हैं। और ये बैक पोर्शन के, बहुत बहुत धन्यवाद।